पता नहीं मौसम को क्या ही हो गया है। अब आजकल हमारे घर के नीचे जो ये नदी है मधुगंगा, अब यहाँ पर देखो भाई माँ इतना बड़ा भाड़ा लेकर आ रही है। अब पता क्या बोल रही है कि शादी कर लो, अब हमारी बस की बात नहीं है। तो यहाँ रहता है हमारा घास का स्टोर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:30 हो रहे हैं और आज भी देखो भाई 2 दिन से जो बारिश हो रही है ना यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू चल ही रही है और इसमें ना बहुत सारी दिक्कत हो रही है। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है उत्तराखंड में और इसका ना जो ये बारिश है बहुत बुरा असर पड़ रहा है यात्रा पे, क्योंकि लोग आ ही रहे हैं फिर भी उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, कई जगह रोड टूट रही हैं। अब इस टाइम पे मई के महीने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। ये सामने की तरफ देखो हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं और उनमें ये आजकल गेहूं की फसल हो रखी है, ये देखो। तो गेहूं भी ना हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद गेहूं की फसल भी काटने के लिए हो जाएगी। अब एक बात तो है भैया, आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है तो चारों तरफ देखो हरियाली बढ़ने लग गई है, पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें आ रही है और सामने वाले पहाड़ पे जो सूखी घास थी वो भी आजकल हरी दिखाई देने लग गई है। अब मैं छत में अभी इसलिए आया था क्योंकि ना यहाँ पर छत में पानी जमा होता है, तो आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल ना यहाँ से पत्तियाँ वगैरह नहीं झड़ रही हैं, क्योंकि फूल भी उस टाइम पे बहुत सारे नीचे गिरते थे, तो आजकल तो पानी जा रहा है। चलो अभी मैं और डब्बू जा रहे हैं गौशाला में, क्योंकि जो हमारे गाय बैल है ना वो जंगल से घर आने वाले हैं। और नीचे देखो भाई बड़ी माँ भी अभी घास लेकर आ गई है। कब बदल यहाँ? अच्छा तुम तो यहाँ नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई माँ इतना बड़ा भाड़ा लेकर आ रही है। अब पता क्या बोल रही है कि शादी कर लो, अब हमारी बस की बात नहीं है। वैसे तो हमारे सारे गाय बैल जंगल रहते हैं, लेकिन घर में रहती है एक भैंस और एक छोटी सी बाछी, तो उनके लिए ना चारा घर में लाना पड़ता है और फिर जैसे जंगल में चरा दिया तो फिर रात के लिए भी उनको चारा डालना पड़ता है, तो इसलिए डेली का एक काम ये भी रहता है कि जंगल से घास लाना होता है। और ये है हमारी भैंस और ये छोटी बाछी। अब बड़ी माँ तो आ गई है, तो माँ शायद से पीछे से गाय बैलों को लेकर आ रही होगी। तो यहाँ रहता है हमारा घास का स्टोर और देखो अंदर दिख रही होगी आपको काफ़ी घास। इधर ये हरी घास है और इधर सूखी घास। अब दिन के 12 बज गए हैं और घर में ना ताऊजी ने आज खाना भी बना दिया है, क्योंकि ताऊजी घर ही में थे, तो अब घर में जाएंगे मस्त खाना खाएंगे। और बारिश तो दिन भर ही है, लेकिन जो काम होता है वो भी करना पड़ता है, जैसे घास फूस लाना, गायों को जंगल लेकर जाना, तो ये तो डेली के काम है, बारिश हो कुछ भी हो वो करने ही पड़ते हैं। बाकी घास तो हमारे पास बहुत सारी है, मैंने पहले भी दिखाई थी ये, लेकिन ये सूखी घास है, इसके साथ ना हरी घास भी थोड़ा बहुत चाहिए। अब यहाँ पर हमने अपने जो गौशाला है ना, तो बाहर पे आग जलाई रहती है, जो भी गोबर के उबले रहते हैं तो उनको जला कर रखते हैं ताकि उनसे धुआं आता रहे। और जो हमने यहाँ पर भैंस बांध रखी है तो इसको छोटे छोटे कीट आजकल परेशान करते हैं, अब जब बरसात का टाइम आता है ना उस टाइम पे, तो इसलिए वो धुएँ से वो भाग जाते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। और जो भी गोबर के उबले होते हैं ना, हमारे यहाँ पर गौंफला बोलते हैं इनको, तो ये देखो यहाँ पर ऐसे लगा रखे हैं, सब जगह लगा रखे होंगे, यहाँ यहाँ, तो ये इसी काम में आते हैं। अब बारिश के कारण आग तो यहाँ पर बुझ गई है, थोड़ा सा धुआं है। तो चलो भाई अभी गौशाला का काम निपट गया है, अब चलते हैं घर। और अभी भी ना जो गाय बैल हैं वो जंगल से घर नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि अभी बारिश कम है और शाम के टाइम पे हो सकता है बारिश ज़्यादा लगे,
तो उस टाइम पे तो उनको जंगल नहीं लेकर जा सकते हैं ना, तो अभी जितनी देर चरा सकते हैं चराएंगे। जेरी आ जा। इधर आ जा। टिंग टांग टिंग। और देखते देखते बारिश फिर से लगनी शुरू हो गई है, वो भी तेज वाली है। डब्बू डब्बू बारिश लगने लग गई ना। हाँ जारी। तो देखो शाम के अभी 4 बज रहे हैं और हमारे घर में चाय बन गई है। पता नहीं मौसम को क्या ही हो गया है, सुबह से कंटिन्यू बारिश लगाई जा रही है। और फिलहाल मैंने चाय के साथ ना एक बिस्किट भी लिया है। चलो उनके लिए तो ठीक है, जो लोग घर में हैं बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन जो लोग घर से बाहर हैं यात्रा में हैं उनके लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऊपर ऊपर धामों में तो जहाँ पर भी ऊँचे तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ के जो रास्ते हैं वहाँ पर पत्थर गिरने का डर है। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर मौसम ऐसा ही रहेगा। हेलो अब आजकल हमारे घर के नीचे जो ये नदी है मधुगंगा, तो इसका पानी भी बढ़ने लग गया है। ये देखो भाई कुछ ऐसा हो गया है। और इसमें ना दो पुल बनाए थे लकड़ी के, एक शायद यहाँ पे बनाया हुआ था और एक वहाँ पर बनाया हुआ था, तो दोनों बह गए। यहाँ वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है आजकल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि ऊपर पहाड़ों पे जो भी बर्फ़ रहती है, ग्लेशियर रहते हैं, वो पिघल जाते हैं और इसलिए जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो नदी भी ज़्यादा आ रखी है आजकल। बाहर देखो पूरा अंधेरा हो गया है और अब बाहर की लाइट भी ऑन करते हैं। बाहर की लाइट ऑन करते ही देखो दूर दूर तक दिखने लग जाता है साफ, क्योंकि हमने ना बाहर बहुत तेज लाइट लगाई है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि आप लोगों को यहाँ पर डर नहीं लगता है, बट अब बचपन यहीं पे गुजरा है तो आदत सी हो गई है हमें। थोड़ा रात के टाइम पे होता ही है, देखो नीचे से इस टाइम पे ना सिर्फ नदी की आवाज़ आती है, जबकि नदी यहाँ से बहुत दूर है। तो रात के टाइम पे जब सन्नाटा हो जाता है सिर्फ नदी की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ भी नहीं। ये ऊपर फैन शेप्ड वाली लाइट लगाई है हमने, ये मुड़ भी गया ना ये देखो कुछ इस तरह से, बट यहाँ पर घोंसला है तो इसलिए हम उसको सीधा नहीं कर रहे हैं। और पूरे चौक में देखो उजाला हो जाता है और सामने देखो ये हल्के हल्के बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो रात के अभी 10 बज रहे हैं और अब फिलहाल वीडियो एडिट करते हैं। आज हमारा खाना लगभग 8 बजे के आसपास हो गया था, तो हम लोग मस्त सब किचन में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे क्योंकि बाहर तो बारिश लग रही है, मस्त आग जलाई हुई थी और गप्पे लग रही थी। और मैं हर दिन एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि घर वालों के साथ 2-3 घंटे बैठें, आराम से बातें करें, बड़ा मज़ा आता है भाई। और ख़ास कर ना जब आग जलाई हो किचन में और उसके चारों तरफ बैठे हो ना, तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो बस ये कुछ बात है, अब फिलहाल वीडियो एडिट करते हैं। आज कुछ खास ब्लॉग बन नहीं पाया, फिर भी अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।